तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे नींबू के अचार देखने के लिए कितना टेस्टी और यम्मी ये अचार नींबू के बनके तैयार हुए हैं। तो मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या मसाला इसमें डाला हुआ है, तो इसे वीडियो को आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी समझ में आएगी। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर किया करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छे नींबू आने लगे हैं। तो नींबू को अचार बनाने के लिए सबसे पहले पानी में जो है 2 घंटा पहले, या फिर आप रात में भी भिंगो के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जितना इसका कसावपन होता है वो सारा निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही 2 घंटे पहले, वीडियो बनाने के पहले 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिंगो दिया है। और अब इसे नींबू को जो है इसका हम इसे निमकी भी बोलते हैं, बहुत जगह निमकी भी बोला जाता है। तो चलिए कैसे बनाना है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है सिलबट्टे का, जिसपे हम लोग करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे हम क्यों रखे हैं, तो इसे भी हम बताते हैं कि इसको मैंने क्यों लिया है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मैंने सिल पे नहीं किया, क्योंकि सिल का वीडियो आप लोगों को दिखाना पड़ता और वो बहुत भारी होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिया बट्टे, और इस पर जो ये छिलके जो होते हैं ना, ये बहुत कड़े होते हैं। तो इस पर हम ये लेकर नींबू को जो है हल्के हल्के इसे रगड़ देंगे। इससे रगड़ने से क्या होगा कि जितना भी ये कसावपन है सब निकल जाता है। और धीरे धीरे आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उस पर ही करिए बट्टे पर ही, आप कोई भी पत्थर ले लीजिए जो भी आपके पास टुकड़ा हो, और थोड़ा सा वो जो है होना चाहिए, और उस पर जो है रगड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट आपका ये बनेगा, और जब ये अचार गलेगा ना तो बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा। तो देखिए इसका आप देख सकती होंगी कि ये निकल रहा है, और आपको दिखाते हैं। देखिए नींबू को दिखा रहे हैं, जो रगड़ने के बाद जो है ना ये बहुत इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा, ये देखिए। तो इसे बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसे कर दीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा से ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल जो है इसका, आप चाहे तो इसे ऐसे भी काट कर बना सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इसे थोड़ा सा रगड़ दिया है। तो रगड़ने से अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट इसका जो ये पत्ती, ये छिलके होते हैं कड़े होते हैं नींबू का। तो यहाँ पे मैंने सारा कर दिया, आप देख सकती हैं सारे नींबू को मैंने करके रख लिया, और सारे का छिलके देख सकती हैं बहुत ही अच्छा ये मतलब हो गया है, बिल्कुल मुलायम हो गया है ये। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या हम मसाले डालेंगे, तो आपको दिखाते हैं मसाले में क्या क्या मैंने इसे डाला हुआ है। तो मैंने एक और प्लेट ले लिया, दूसरा प्लेट, और अब इसमें नींबू को जो है हम कट करेंगे। तो नींबू को कट करके जो ऊपर का भाग है उसे निकाल देते हैं, और अब इसमें हम चार भाग को मतलब अलग नहीं करेंगे, उसमें हल्का सा चीरा लगा देंगे। देखिए बस ऐसे इसे लीजिए और इसे चीरा लगा देना है। तो इसे चीरे लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स ना, कि जो भी आप मसाला डालेंगे वो बिल्कुल अंदर तक मिलेगा, और खाने इस पर बनने के बाद ना बहुत ही टेस्टी आएगा। तो सारे नींबू को हमें जो है ऐसे ही चीरा लगा लेना है, सारे नींबू में हम लगा लेंगे। नींबू जो है बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल रस वाला है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है नींबू। सारे नींबू को हम ऐसे ही कट कर लेते हैं, ये देखिए बस ऐसे ही करना है। बहुत ही अच्छा ये अचार बनके तैयार होता है फ्रेंड्स, आपका जब भी मन हो आप इसे, और बनाने में ना बहुत ही आसान है, कोई भी मतलब ज़्यादा इसमें नहीं टाइम लगता है।
यहाँ पे मैंने सारे नींबू में देखे कट कर लिया है। ये देखिए चारों भाग को जो है, जब ये गल जाएगा ना चार, तो ये बिल्कुल अलग अलग आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने नहीं निकाला, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने से। तो अब इसमें हम जो है मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे एक हम ले लिए हैं कंटेनर, आप कोई भी कंटेनर, टाइट कंटेनर ले लीजिए, और उसमें जो है नींबू को हम डिब्बे में रख देंगे। आप चाहे तो शीशे का भी जार ले सकती हैं, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का ही यूज किया है। तो अब यहाँ पे सारे नींबू को रख दिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक फ्रेंड्स हमेशा अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये खट्टापन है और अचार नींबू से ही गलते हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग 2.5 चम्मच नींबू यूज कर रही हूँ, सॉरी नमक 2.5 चम्मच यहाँ पे नमक डाले हुए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये लिए हैं काली मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे जो टेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, आप लोग अचार बना के देखना मेरी रेसिपी से, इतनी अच्छी बनती है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आपको यकीन नहीं होगा। और 1 चम्मच ये मैंने ले लिया है सूखा लाल मिर्च पाउडर, इसमें डाल देते हैं सूखा लाल मिर्च पाउडर। सूखा लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। ये बिल्कुल तीखा और खट्टापन, अचार जब मीठे बनेगा ना, खट्टा और तीखा, चटपटा बिल्कुल अचार बन के तैयार होगा। और अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इसमें शुगर। तो यहाँ पे मैंने शुगर ले लिया है, देखिए 1 चम्मच मैंने डाला और 2 चम्मच, बस 2 चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस हल्का सा जो है खट्टा मीठा का और तीखा का टेस्ट आएगा। अब इसे हम ढक्कन लगा देते हैं और ये अचार मेरा बनके तैयार है। तो इसे हमें धूप में दिखाना होगा, क्योंकि अचार कोई भी आप बनाइए तो उसे धूप में दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए कितना देखने में ही टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी ये अचार बनके रेडी होगा, आप यकीन मानिए। और इसे अब 2 से 3 दिन तो कम से कम धूप में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अचार कोई भी बनाइए तो उसे धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे नींबू के अचार बनके बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।